कलयुग के देवता भगवान बजरंग बली को माना जाता है। माना जाता है कि संकट मोचन बजरंग बली ऐसे देवता हैं जो न सिर्फ भक्तों की अर्जी जल्दी सुनते हैं बल्कि उसे दूर भी करते हैं। शायद यही कारण है कि रीवा शहर के में स्थित भगवान बजरंग बली की इतनी मान्यता है कि प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को भक्तों की भीड़ खुद ही भगवान की महिमा का वर्णन करने के लिए काफ़ी है। कुछ भक्त तो ऐसे हैं जो निरंतर वर्षों से मंगलवार और शनिवार को भगवान के दर्शन करने पहुंचते हैं। मान्यता है कि चिरहुला मंदिर में भगवान की अदालत लगती है। अदालत के न्यायाधीश खुद भगवान बजरंग बली हैं। भगवान बजरंग बली हर भक्तों के कष्ट का निवारण करते हैं। बताते हैं कि चिरहुला मंदिर स्थित संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर की स्थापना 500 वर्ष पूर्व है। भगवान की स्थापना चिरौल दास बाबा द्वारा करवाई गई है। उन्हीं के नाम से मंदिर का नाम चिरहुला नाथ पड़ा। जी चिरहुला तालाब के किनारे स्थित मंदिर की महिमा अपने आप में ही निराली है। चिरहुला मंदिर को जहां जिला अदालत का दर्जा दिया गया है, वहीं राम सागर मंदिर के समीप स्थित हनुमान जी के मंदिर को हाईकोर्ट माना जाता है। इस मंदिर के आगे स्थित खेम सागर स्थित हनुमान जी मंदिर को सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिन भक्तों की पीड़ा जिला न्यायालय से दूर नहीं होती, वह हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नाम से विख्यात हनुमान जी के मंदिर में जाकर अपनी अर्जी लगाते हैं। अब इस आस्था कहे या कुछ और कि यह जाने आने वाले भक्तों की हर पीड़ा दूर हो जाती है। गौरतलब है कि तीनों ही मंदिर एक ही दिशा में स्थित है।